भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 36 घंटे में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से अजगैबीनाथ धाम घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। सुरक्षा के लिए SDRF के साथ साथ स्थानीय नाविक और गोताखोरों को 24 घंटे लगाया गया है। हालांकि गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बिल्कुल, उसको लेकर के फ्लड कंट्रोल डिवीजन हमारा सतर्क है और जैसे जैसे घाट पे पानी का स्तर बढ़ता है तो हम लोग जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं ताकि कम पानी में ही हमारे कमरिया बंधु है वो स्नान कर सके, कमरिया श्रद्धालु स्नान कर सके। उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था है, हम लोगों ने जाली भी लगाया है जो हरे रंग की जाली है ताकि अच्छी सुरक्षा हो सके, उसको लगाया है। प्लस बोट से हम लोग पेट्रोलिंग की लगा रहे हैं। सावन के महीने में शिव के भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल यात्रा कर भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं, लेकिन अब की बार सावन में भक्ति का ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है। काफी संख्या में युवा सुल्तानगंज से जल भरकर स्केटिंग करते हुए 105 किलोमीटर की यात्रा तय कर देवघर जा रहे हैं। यूपी के देवरिया से 400 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए सुल्तानगंज पहुंचे और यहां से स्केटिंग करते हुए भोलेनाथ को जलार्पण करने देवघर जा रहे हैं। भागलपुर जिले के सबौर थाना पुलिस का एक बार फिर से बर्बर चेहरा सामने आया है। दरअसल सबौर थाना की पुलिस वारंटी के घर वारंटी को पकड़ने के लिए गई थी। इस बीच जब वारंटी नहीं मिला तो वारंटी की मां और परिवार को जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, जिस डंडे से पीटा गया वो डंडा भी पुलिस छोड़कर चली गई। इसको लेकर पीड़ित परिवार न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है। सभी के चेहरे पर पुलिस का खौफ नजर आ रहा है, जिसे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पीड़ित महिला रीता देवी ने बताया कि देर रात सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल अपनी पुलिस टीम के साथ मेरे घर आए और मेरे बेटे के बारे में पूछने लगे, जो हमने कहा कि 4 साल से बेटा हमसे अलग रहता है, हमको कोई लेना देना बेटा से नहीं है, तो हमको जमकर लाठी डंडे से पीटने लगे। जो हमको बचाने के लिए मेरे देवर का बेटा आया तो उसे भी पीटने लगा। इसके बाद जब देवर का बेटा बोला कि आप महिला को पीट रहे हैं और महिला पुलिस आपके साथ नहीं है, तो देवर का बेटा को भी डंडे से जमकर पीट दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिना महिला पुलिस के महिला के ऊपर डंडा बरसाना सबौर थाना प्रभारी के लिए कितना उचित है। कौन पुलिस तो कौन थाना रो केकरा खोज रहे लो छले बजरंगी मंडल को केच के बजरंगी मंडल बजरंगी मंडल हमरो बेटा आज के की करलो छौ अब की करलो छौ फरकार छे 10 साल 20 साल हो जे फरका नहीं जो नहीं छे कुछ वो भी मसल का हाथी दुरोम छे घर दुरोम घर ले नहीं छे जमीन था मसली हिन्ना रह छे का पुतवा हुआ लगा मर रहे छे कर खिला है जमीन पुतवा तो पुलिस के अब डंटा तो वापस कैसे आ गिलो पुलिस छोड़ी का एकदम डाल के छलिए ने बस हमने एकदम ता छी नी नल के हम कलियन के हम पहचान कर लिए ने फेबन का मर लगे बस है बचाए खतरा बचाए एकदम ता छी नी ने फेंकी दल का बस तब हम यो छुटी गेले गेले तब देखल के देखल के मारना था ना भैया सब फेबरो सब अब था आप लगा तुम अपना नाम बताओ की नाम मिलन तेरो हमरा संगीता देवी रीता देवी घर कहाँ छो संतपुर का दुलार नाम की हो जलधर मंडल जिंदे जलना अभी तो कहाँ आयलो छो आयलो यही कचरिए लिए अभी डॉक्टर का नाती लेके गेले तब की होलो चलो तोरा साथ यहाँ पर बैठलो रहियो तोरा सास पुतहु हम तो बड़का बेबाक पकड़ के लेके आया अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप शेयर मार्केट में, स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट की सही प्लानिंग करने के लिए भागलपुर में बजाज कैपिटल के ऑफिस का शुभारम्भ हो गया है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ भागलपुर में बजाज कैपिटल के ऑफिस का शुभारम्भ किया गया। भागलपुर के RBSS रोड में बायजूस ट्यूशन सेंटर के ऊपर PR टावर के 3rd फ्लोर पर
बजाज कैपिटल के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन भाजपा नेता बंटी यादव एवं बजाज कैपिटल के रीजनल हेड अमित त्यागी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं ऑफिस को उद्घाटन करने के लिए पहुंचे भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि आज भागलपुर शहर में बजाज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का ऑफिस खुला है। भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे अच्छे सोच वाली कंपनी ने इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऑफिस खोला है। उनकी अच्छी व्यवस्था है, सुंदर ऑफिस है, सुंदर टीम है, समझदार और यंग टीम है। फ्यूचर में भागलपुर के हर नागरिक और जनता के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न प्रॉपर मिले इसको सुनिश्चित करेंगे। आज भागलपुर शहर में बजाज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का ऑफिस खुला है। भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है, इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे अच्छे सोच वाली कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए ऑफिस खोला है। इनकी अच्छी व्यवस्था है, सुंदर ऑफिस है, सुंदर टीम है और समझदार और यंग टीम है जो आने वाले भागलपुर के सब बसिंदे हैं और भागलपुर को आगे बढ़ाएंगे और फ्यूचर में भागलपुर के हर नागरिक और हर जनता के इन्वेस्ट प्रॉपर होकर उनका रिटर्न प्रॉपर मिले इसकी सुनिश्चित ये करेंगे। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए रीजनल हेड अमित त्यागी ने बताया कि हमारी कंपनी बजाज कैपिटल इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग लिमिटेड पिछले 60 सालों से पूरे देश में लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग कराती आ रही है। पूरे बिहार में इस कंपनी की 12 जगह ऑफिस है। अब भागलपुर में भी इसका ऑफिस शुरू हो गया है। अब भागलपुर के लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हमारे ऑफिस में आकर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बजाज कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो लोगों को बताती है कि कहां उन्हें अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उन्हें गारंटेड और सटीक रिटर्न। वहीं सीनियर जोनल मैनेजर विनीत उपाध्याय ने बताया कि हमारी कंपनी बजाज कैपिटल वन स्टॉप सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जैसी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बजाज कैपिटल वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनी है या मार्केट में 60 सालों से काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट को सरल और सुगम बनाना हमारी कंपनी का मोटो है। उद्घाटन के मौके पर बजाज कैपिटल के कई अधिकारी, कर्मचारी और अतिथिगण मौजूद थे। तो हमारी कंपनी उसी चीज में काम करती है, लोगों को आर्थिक मजबूत करती है। आज की रेट में लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। कोई एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एक कंपनी अपना ही बताते हैं, लेकिन बजाज कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो लोगों को बताती है कि कहाँ उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उन्हें गारंटेड और सटीक रास्ते मिले अपनी फैमिली के लिए अपने पैसे को ग्रोथ करने। और हमारी जो कंपनी है बजाज कैपिटल है, बजाज कैपिटल जो कंपनी है ये वन स्टॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपको लोन हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड सारी सुविधाएं हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और बजाज कैपिटल जो कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनी है, तो ये मार्केट में 60 सालों से काम कर रही है और कस्टमर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कस्टमर को सेटिस्फाइड करके अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है कि इन्वेस्टमेंट को सरल और सुगम बनाना। तो हमारी कंपनी का भागलपुर में ब्रांच खुल चुका है, सारे भागलपुर वासियों को स्वागत है, सब लोग यहां पे आए और हमारे ऑफिस को अपनी ब्लेसिंग दें। धन्यवाद। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कमर के उम्र में के
बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के सुल्तानगंज में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर परिषद सभागार में कार्यक्रम का भी आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी ने किया। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों को अजगैवीनाथ मंदिर का मोमेंटो अंग वस्त्र पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस ग्रामीण विकास मंत्री ने दर्जनों लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना एवं जीविका दीदी को बकरी पालन शेड की योजना का लाभ दिया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो नहीं ले सके उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना बकरी पालन शेड देकर गरीब परिवारों को रोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है। आप बता रहे हैं उसके लिए हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित करेंगे। खमरिया को बाबा को जला ठीक करने वाले आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और बाबा की नगरी में आ रहे हैं, कष्ट कर के बाबा को जल अभिषेक करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको कष्ट होता ही है, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरा मुकम्मल सरकार के तरफ से इंतजाम किया है और जो कमी है उसको आप पूरा करेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में सर कुछ बताएंगे? आज का तो कार्यक्रम आपने देखा कि किस तरह से गरीबों को, 10 गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का आज उनको स्वीकृति दिया है। 10 ऐसे गरीब परिवार जो बकरी पालन से जुड़े हैं उनको बकरी पालन के लिए सेट दिया है। ऐसे काम जो और भी जो कचरा प्रबंधन का काम किया है, वो ये जो प्लास्टिक यूनिट हमारा है उसका आज शुभारम्भ किया है। तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिससे गांव और गांव के गरीबों को और ख़ास करके जो वंचित लोग हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है। आवास दिया, बकरी शेड दिया, अभी आंगनबाड़ी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहां घाट का निर्माण हुआ है और कई तरह के एक्टिविटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भी आप लोगों का जो सुझाव रहेगा उसके हिसाब से पंचायत में जो सर खेल का मैदान होना है उसका क्या लक्ष्य रखा गया, कब तक सभी पंचायत में खेल मैदान बन जाएंगे? जहाँ जहाँ सरकारी जमीन है सब में खेल मैदान बना देंगे। जहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है और शहरी क्षेत्र में जो शहर का क्षेत्र है, प्रखंड मुख्यालय का क्षेत्र है, वहाँ खेल विभाग की तरफ से बनेगा खेल मैदान। अब तो खेल मंत्रालय भी बड़ा काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर खेल क्लब बना रही है, ग्रामीण जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है। तो हम लोग भी मनरेगा की तरफ से जितना बल पड़ेगा और लोगों के सुझाव जहाँ जहाँ से आएंगे वहाँ पर खेल मैदान बनाएंगे। पीएम आवास योजना में सर 3 साल से आवंटन का अभाव है, क्या कहेंगे सर? पूरे बिहार में मैं दिल्ली गया था, अभी 13 लाख 13.5 लाख प्रतीक्षा सूची में है। हमने भारत सरकार के मंत्री से अनुरोध किया है कि कम से कम 6.5 लाख इस वित्तीय वर्ष में हमको आवास दे दीजिए ताकि 2025 तक हम 13-13.5 लाख जो लाभुक हैं, जो गरीब हैं, उनको आवास की सुविधा मिल सके, अपना घर हो सके, अपना छत हो सके। इसी के लिए तो मुख्यमंत्री योजना हम लोगों ने शुरू किया है कि जो बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल परेशान है, उसको हम लोग इसमें शामिल करके उसको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल। सर, पंचायतों में जिम लगना है तो कई पंचायत में, यहाँ तो भागलपुर जिला में देखा गया है कि जहाँ भी लगा है, 2-3 पंचायत ही है जहाँ लगा है, वो जिम की स्थिति लगने के साथ ही बदतर हो गई, वो धरातल पे पूरी तरह नहीं उतर। आप बात की चर्चा कर रहे हैं, हम संबंधित अधिकारियों को बता देंगे, उसकी जाँच कर लेंगे, जहाँ कुछ गड़बड़ी है उसको चालू कराएंगे और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित भी किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को सर वेतन नहीं मिल रहा है, उससे स्वच्छता कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण स्वच्छता कर्मी का वेतन कैसे मिलता है मालूम है? जिस पंचायत में कई पंचायत में सर जो स्वच्छता कर्मी है वो सर हड़ताल कर दिए हैं, काम बंद कर दिए, मानदेय नहीं मिल रहा है। 1 रुपया लाभुक से देना है प्रतिदिन और लाभुक से लेकर के उनके राशि को इकट्ठा करके उनके मानदेय का भुगतान करते, वेतन नहीं देते।
भागलपुर के एक निजी होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस संवाद कार्यक्रम में एनडीए के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, इसलिए भागलपुर के लोगों के साथ क्या समस्या और भागलपुर में क्या संभावना है, इसको लेकर आज संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहा है एवं कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क चलते रहना चाहिए। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य है, आप जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जी, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो वही जो हमारे भागलपुर के जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग संवाद करते हैं, क्या क्या चीजें हैं इस क्षेत्र की, क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में चर्चा किया जाए, जिससे कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो साथी हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहे। राजनीति में देखिए एक बात समझिए कि राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद को चलते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो जमीन पर हमारे कार्यकर्ता हैं वो जो अपनी बात रखते हैं उनसे आप रूबरू होते हैं और आप अपनी बात उनके साथ रखते हैं, एक बढ़िया तालमेल बैठता है और आगे जो है कैसे और बेहतर काम किया जाए उसकी संभावना होती है। अब आगे की इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी सर, जो बचा हुआ आज की इस बैठक के हम लोग जो है आगे हमारे जितने भी बिहार में या हमारे खास करके भागलपुर जितने हमारे विधानसभा के क्षेत्र हैं जी, सब जगह हम लोग कार्यकर्ताओं से अपना संवाद रखेंगे और हम लोग उनके सुख दुख में खड़ा रहे जी, इसको हमको लोगों अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त भी करना होगा कि कार्यकर्ता ही जो है ना वो जो है जमीन पर रहता है जी, चाहे वो चुनाव हो चाहे पार्टी का संगठन का कोई काम हो तो उसमें बढ़ चढ़ करके वही हिस्सा लेता है, उसकी अपेक्षा भी रहती है जो नेता है उनके पास जाएं, उनके साथ संपर्क करें, उनके साथ संवाद करें। संवाद कार्यक्रम में आप जो मतलब आप जिसके साथ सरकार चला रहे हैं आपके अगले पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इसमें नहीं है? देखिए इसमें पार्टी की बात नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि भाई तो हम सबके साथ संवाद करते हैं ना। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में सावन की तीसरी सोमवारी को सुबह से उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, नेपाल, सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए बाबरनाथ के शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई। साथ ही हजारों कांवरियों ने भी उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर कांवर में गंगा जल लेकर पैदल व वाहन से वैद्यनाथ धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट, मंदिर परिसर एवं कच्ची कांवरिया पथ में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। वहीं कांवरिया एवं शिव भक्त बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगते दिखे। बिहार अच्छा वाणी स्वयंसेवक संघ के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी होमगार्ड के जवान शामिल थे। इन लोगों की मांग है कि हमें भी समान काम के बदले समान वेतन मिले। इतना ही नहीं, बिहार अच्छा वाणी संघ के जिला सचिव विभास कुमार झा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य के गृह रक्षक का कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता के साथ पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा अविलंब दी जाए। इन लोगों ने यह भी कह दिया कि यदि हम लोगों की मांग जल्द पूरी नहीं होती तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे के और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के फैसला है कि समान काम का समान सुविधा देने का, लेकिन आज सरकार हम लोगों को उस फैसले को पालन करने में लापरवाही कर रही है, जिसके बाद मजबूरन संघ को बाध्य होकर हम लोग आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। हम लोगों का भत्ता 2017 में बढ़ाया गया, 17 से अभी तक में 8 वर्षों के बीच में सभी विभाग के सभी कर्मचारियों का भत्ता दोगुनी अनेक प्रकार के सुविधा दिया गया, लेकिन हम गृह रक्षकों का 8 वर्षों से अभी तक किसी भी प्रकार का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई एक रुपया नहीं बढ़ाया गया। सरकार के